Starting with 99 names of Almighty Allah, who is the only power in this universe to whom we surrender. It is me, Ayaz Kakkar. Respected viewers, today I am going to tell you about a formula, about a technique, about a procedure which will help you, support you in your examinations, in your competitive exams, and when you are supposed to give your papers. Dear all audience, ज़्यादातर लोगों का ये सवाल होता है और स्टूडेंट्स के ज़्यादातर ये सवाल होता है कि सर हम इम्तिहान में अच्छे नंबर्स कैसे हासिल कर सकते हैं, या अगर हम किसी भी पेपर को दे रहे होते हैं तो उसके लिए अच्छी तैयारी कैसे करें। देखो, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा टेक्निक शेयर करूंगा, एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा, एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिसके ज़रिए मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बहुत ही अच्छे नंबर्स हासिल कर सकते हैं। देखो, ये इंसान का एक नेचर है, जब वो कोई चीज़ याद करता है, जब आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जब पेपर वाले दिन बैठते हैं तो सब कुछ एकदम भूल जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि आपने सिर्फ पढ़ा होता है, आपने सिर्फ रिवाइज किया होता है, इससे आप किसी चैप्टर को याद नहीं कर सकते हो। तो आज हम उस फार्मूले की तरफ जाएंगे जो आपको रियली हेल्प करेंगे, जिसने मेरा हेल्प किया और ऐसे हजार स्टूडेंट्स हैं जो इस फार्मूले के तहत सब कुछ याद करते हैं। वो फार्मूला क्या है? SQ5R फार्मूला, उसे इंग्लिश में कहते हैं। अच्छा, SQ5R क्या होता है? लेट्स डिस्कस दिस। ओके, व्हाट इज SQ5R? ओके, अच्छा, SQ5R का मतलब है, जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लेटर है S। S मीन्स सर्वे। आपने सर्वे देखा होगा कि जब कोई टीम कोई एरिया को विजिट करता है, सबसे पहले वो एक सर्वे करता है, देखता है लोगों को, देखता है घरों को, देखता है माहौल को, देखता है, दे जस्ट वांट टू सी द एनवायरनमेंट कम्प्लीटली। इसी तरह जब आप किसी चैप्टर को याद करोगे तो सबसे पहले रिवाइज करने से पहले, याद करने से पहले, लिखने से पहले, रिकॉर्ड करने से पहले आपने एक काम करना होगा, वो क्या है? वो है कि आपने उस चैप्टर का सर्वे करना होगा। अच्छा, चैप्टर का सर्वे क्या होता है? जब आप कोई चैप्टर याद करने वाले हो तो उसमें आपने ये करना है, उसमें सबसे पहले उसका सर्वे करें। आप उसमें हेडिंग्स देके, उसमें डायग्राम्स देके, उसमें बोल्ड लेटर्स देके, उसमें जो है कुछ इंट्रोडक्शंस देके, सिर्फ ये एक सर्वे करें आप उस चैप्टर का। अच्छा, सेकंड क्या होता है? क्वेश्चन, SQ। क्वेश्चन क्या होता है? अच्छा, क्वेश्चन में क्या आता है? जब आप कोई चैप्टर याद करते हो तो उसमें आपने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होंगे। वो क्वेश्चंस टीचर्स की भी हो सकते हैं, जैसे टीचर्स आपको कहते हैं कि बच्चों दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, सो यू हैव टू पॉइंट आउट दोज क्वेश्चंस। आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो और आप खुद अपने आप से कुछ क्वेश्चंस निकालो जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं। ये हुआ सेकंड SQ। नेक्स्ट है 5R, SQ5R। 5R का मतलब है 5 things। 5R में क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल रीड, सेकेंडली रिस्पॉन्ड, थर्डली रिकॉर्ड, फोर्थ रिसाइट, फिफ्थ रिव्यू और समटाइम रिविजन। अच्छा, अब ये क्या होता है? सबसे पहले आपने क्या करना पड़ता है, जब आपने सर्वे भी कर लिया, क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे दिए या लिख लिए, उसके बाद आपने पूरे चैप्टर को पढ़ना होगा, रीड करना होगा, A to Z जो भी आ रहा है उसमें, चाहे लॉज आ रहा है, फिलोसफीज आ रहे हैं उसमें, थ्योरीज आ रहे हैं, जो भी आ रहा है आपने उसको क्या करना होगा, रीड करना होगा। सेकेंडली, जब आपने उसको रीडिंग कर दिया, उसके बाद आपने आना होगा रिस्पॉन्ड की तरफ। अच्छा, रिस्पॉन्ड क्या होता है? जब आपने सर्वे कर लिया, जब आपने क्वेश्चंस पूछ लिए उस चैप्टर से रिलेटेड, अब आपने उनको रिस्पॉन्ड करना है, जो आपने रीडिंग कर लिया उसको अब आपने रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड मतलब आपने उनके आंसर्स देने कि आपको आ रहा है या नहीं, जो कुछ आपने सीखा है। ये हुआ रिस्पॉन्ड। अच्छा, थर्डली आपने क्या करना है? उसको अब रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग बहुत ईजी है। रिकॉर्डिंग में आपने क्या करना है? एक कॉपी लेना है अपने साथ और एक पेन लेना है। अब आपने लिखना शुरू करना है कि आपने सर्वे में जो सीखा, क्वेश्चंस में जो सीखा, अच्छा उसके बाद आपने रिस्पॉन्ड भी किया, उसमें आपने जो भी सीखा आपने उसको अब क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, लिखना है। ये भी एक बहुत इजी टेक्निक है। नेक्स्ट, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो है रिसाइट। अच्छा, रिसाइट में आपने कुछ नहीं करना है, न लिखना है, आपने कॉपी बंद करनी है, किताब भी बंद करनी है, पेन भी साइड पे रखना है। अब आपने खुद सोचना है कि जो कुछ मैंने सीखा है क्या मुझे आ रहा है, अपने आप से क्वेश्चंस पूछने और अपने आप को आंसर्स देने हैं। ये किस चीज में आता है? रिसाइट। लास्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट, द वेरी एसेंशियल एलिमेंट, एंड दैट इज आपने क्या करना है? रिव्यू देना है। रिव्यू क्यों आता है? रिविजन। आपने जब सब कुछ सीख लिया, सब कुछ समझ लिया, उसके बाद आपने एक क्विक रिविजन करना है, एक क्विक रिव्यू देना है, जिससे अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स इट इज बिलीव्ड एंड इट इज रिसर्च दैट कि अगर आप किसी भी चीज को याद करते हो और उसी चीज को 24 घंटे के अंदर रिवाइज करते हो या रिव्यू करते हो, वो फिर आप कभी नहीं भूल सकते। सो आपने ये टेक्निक्स फॉलो करने हैं फार्मूलाज के लिए। ये सिर्फ जूनियर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि इट इज़ फॉर everyone, okay? Like if somebody is preparing himself for competitive exams, it is beneficial to that person as well. आप किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी स्कूल से, किसी भी इदारे से ताल्लुक रखते हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ को सीखने के लिए, सो ये SQ5R फार्मूला विल रियली हेल्प यू, एंड आई गारंटी यू। मैं खुद इस फार्मूले को फॉलो करता हूँ, इसलिए ये मुझे भी हमेशा प्रोडक्टिव रिजल्ट देता है। सो बेस्ट लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।